subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको यह बात पता होगी कि कितनी तरह की बोगियां ट्रेन में होती हैं। एसी, स्लीपर और जनरल यही होती हैं। एसी कोच वाले थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और आराम से सफ़र करते हैं, उनके लिए मौसम कोई बड़ी बाधा नहीं होती। वहीं स्लीपर वाले जो होते हैं वो थोड़ा पैसा तो खर्च करते हैं लेकिन थोड़ी दिक्कत भी हासिल करते हैं। ये समाज के मिडिल क्लास वर्ग की तरह होते हैं जिन्हें दिक्कतें होती रहती हैं। लेकिन इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है जनरल यानी अनरिजर्व्ड कोच वालों का। ये ट्रेन के वो डिब्बे होते हैं जो हमेशा फुल होते हैं। मुश्किलों को झेलते हुए सफ़र कैसे किया जाता है, अगर आपको ये जानना है तो कभी जनरल डब्बे में सफ़र कर आइएगा। रेलवे कई सालों से इस कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को सफ़र में और सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इन डिब्बों में सफ़र करने वाले यात्री अपने हर सफ़र के दौरान जंग जीतने की तैयारी करके ही स्टेशन पे पहुंचते हैं। लेकिन इस बार रेलवे ने कुछ अलग सोचा है। इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके एक प्रयोग किया है जो बहुत हद तक सफल भी होता दिखाई दे रहा है। पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने पहली बार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पेश किया है। इससे जनरल क्लास में अनरिजर्व्ड कोचेज में सीट्स पक्की की जा सकेंगी। इसका प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और बांद्रा टर्मिनल के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थितियों को रोकना या खत्म करना है। इसके तहत जनरल क्लास कोच की टिकट लेने वाले पैसेंजर को बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट स्कैन करने होंगे, जिसके बाद टोकन जनरेट हो जाएगा। जितने टोकन जनरेट होंगे वो जनरल क्लास कोच में जितनी सीट्स है उससे मिलते जुलते होंगे। पैसेंजर इस सीरियल नंबर के आधार पर लाइन में लगकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। आरपीएफ स्टाफ जनरल क्लास कोच के एंट्री पॉइंट पर टोकन सीरियल नंबर को वेरीफाई करेगा और लोगों को एक ऑर्डर में ट्रेन में चढ़ने की अनुमति देगा।